गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन आवर टुडे सोशल स्टडी क्लास वी विल डू द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 4 मेजर लैंडफॉर्म्स। द अर्थ डज नॉट हैव एन इवन सरफेस, व्हाइल सम पार्ट्स आर फ्लैट अदर्स आर रेस्ड। दिस वेरिएशन इन द फिजिकल फॉर्म ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिलीफ। सो इफ वी लुक अराउंड देन वी विल फाइंड दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज raised somewhere and somewhere it is flat, while in some other parts there is depth. Landforms are the relief features of the earth. Mountains, plateaus, plains, deserts and rivers are the main relief features of the earth, which we are going to study now. First landform is mountain. A mountain is a landform that rises high above its surrounding land. सो एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग एरिया, जो माउंटेन्स होते हैं वो ऊँचे होते हैं। एंड जब बहुत सारे माउंटेन्स साथ में जुड़े हुए होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज द चेन ऑफ माउंटेन या फिर माउंटेन रेंज। सो बेसिकली अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स ज्वाइंट टूगेदर इज कॉल्ड अ रेंज और अ चेन। और जब बहुत सारे रेंजेस जो होते हैं वो साथ में जुड़े होते हैं तो हम उसको माउंटेन बेल्ट बोलते हैं। तो मींस वो माउंटेन बेल्ट बना लेते हैं पूरी। जब माउंटेन्स बहुत सारे साथ में जुड़े हैं तो वो चेन बनाते हैं या फिर रेंज बनाते हैं। और जब बहुत सारी चेन ऑफ माउंटेन या रेंज ऑफ माउंटेन साथ में जुड़ी होती हैं तो वो माउंटेन बेल्ट बनाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स। सो माउंटेन रेंजेस आर नेचुरल बैरियर्स, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्वेडर्स। नेचुरल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, मानसून विंड को कंट्री से बाहर नहीं जाने देते हैं। ओके और साथ में ही हमको इन्वेडर्स से, मीन्स जो दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में पीपल एंटर ना कर सकें, इसलिए एज अ बैरियर एज अ बाउंड्री भी एक्ट करते हैं। सेकंड वन इज़ रिवर्स ओरिजिनेट हियर एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। मीन्स जनरली वाटर का सोर्स, जो रिवर्स में वाटर का सोर्स होता है वो माउंटेन्स ही होते हैं। मैनी माउंटेन डिस्ट्रिक्ट आर फेमस हॉलीडे रिजॉर्ट्स, सो एज अ हॉलीडे रिजॉर्ट भी वर्क करते हैं ये एंड टूरिज्म को सपोर्ट करते हैं। मैनी माउंटेन्स आर रिच इन मिनरल्स, तो ज़्यादातर मिनरल्स जो हम यूज़ करते हैं वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, माउंटेन्स से, बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल्स। द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स हैव रिच पास्चर लैंड्स एंड फॉरेस्ट। तो हम स्लोप्स की अगर बात करें तो वहाँ पे फॉरेस्ट होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारा चारा मिल जाता है कैटल के लिए। नेक्स्ट आता प्लेट्यूज। अ प्लेट्यू इज़ ए हाईलैंड एरिया विद अ फ्लैट टॉप, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। तो टेबल कैसी होती है दिखने में, जो हमारा प्लेन होता है, जो फ्लोर होता है उससे ऊँची होती है और ऊपर से फ्लैट होती है। तो ऐसे ही प्लेट्यूज भी होते हैं जो प्लेन्स के कंपेरिजन में ऊँचे होते हैं, ठीक है। नीचे से उनका शेप जो होता है वो माउंटेन की तरह स्लोपिंग होता है, बट ऊपर से वो फ्लैट होते हैं बिल्कुल टेबल की तरह। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द टेबल लैंड। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज। लो प्लेट्यूज आर ऑफन फार्मिंग रीजन्स, वाइल हाई प्लेट्यूज यूजुअली सूटेबल फॉर लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग। तो जो लो प्लेट्यूज होते हैं वहाँ पर तो फार्मिंग कर ली जाती है, और अगर प्लेट्यूज ज़्यादा हाई हैं तो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस गुड नहीं होंगी, इसलिए दे एक्ट एज अ लाइफ स्टॉक गेजिंग एरिया। देन सम प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, सो माइनिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत सारे मिनरल्स ऐसी जगहों पे मिलते हैं, मीन्स प्लेट्यू रीजन्स में मिलते हैं, इसलिए ये एज अ माइनिंग एरिया भी वर्क करते हैं। नेक्स्ट आर द प्लेन्स। तो प्लेन्स आर अ ब्रॉड फ्लैट एंड लो लाइंग सरफेस ऑफ लैंड। प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड्स। सो जनरली एक ब्रॉड एरिया होता है, मीन्स एक वास्ट एरिया होता है जो कि फ्लैट होता है, एंड इट इज़ अ लो लाइंग सरफेस एरिया। लो लाइंग सरफेस एरिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि माउंटेन्स और प्लेट्यूज के कंपेरिजन में ये बिल्कुल फ्लैट होता है, नीचे होता है। ओके सो इट इज़ अ लो लाइंग एरिया एंड इट इज़ नोन एज द लो लैंड। The land of the plain is mostly even. Now, what is the importance of plains? So, the first one is agriculture is the main occupation in plains. क्यों? क्योंकि ये जो region होता है इसमें soil बहुत ज़्यादा fertile होती है, soil का texture बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो it is easier to
grow crops in this area. That is why agriculture is the main occupation. Second one is roads and railways are easily built up in this area. Land flat होता है, ज़्यादा rocky surface नहीं होता है, तो roads और railways बनाना easy होता है इस area में. Large industries are set up in the plains. क्यों? क्योंकि connectivity की कोई problem नहीं है, transport की कोई problem नहीं है, electricity की कोई problem नहीं है, और जो raw material है वो भी easily available हो जाता है. Manpower easily available हो रही है, आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास इन टाइम पहुंच जाएगी. सो दैट इज़ व्हाई लार्ज इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन दिस एरिया. द नेक्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ द बिग सिटीज एंड द टाउन्स आर फाउंड इन द प्लेन्स. क्यों बिग टाउन्स और सिटीज प्लेन्स में ज़्यादा मिलते हैं? क्योंकि अगेन द सेम थिंग, ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है, यहाँ पर लोगों को फैसिलिटीज ईजिली प्रोवाइड हो जाती हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग ऐसे एरिया में ही सेटल होना पसंद करते हैं. दैट इज़ वाई द बिग टाउन्स एंड द सिटीज आर फाउंड इन दिस एरिया. एंड द लास्ट वन इज़ फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन द कोस्टल प्लेन्स. तो जो कोस्टल प्लेन्स रीजन होते हैं, मीन्स जो समुंदर के किनारे के जो प्लेन्स होते हैं, वहाँ पे फिशिंग मेन ऑक्यूपेशन होता है. नेक्स्ट लैंड फॉर्म आर द डेजर्ट्स. सो डेजर्ट्स आर द बैरन लैंड्स दैट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल. तो कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत कम, मिनिमम से भी कम बारिश होती है, ऐसे एरिया को हम डेजर्ट बोलते हैं. द रीजन हैज़ एन एरिड और अ सेमी एरिड क्लाइमेट. तो एरिड का मतलब होता है ड्राई, है ना? तो यहाँ पे या तो बिल्कुल ही ड्राई क्लाइमेट होती है या फिर कुछ थोड़ी बहुत बारिश होती है. तो दैट इज़ वाई सेमी एरिड क्लाइमेट होती है. द डेज आर हॉट एंड द नाइट्स आर वेरी कोल्ड इन दिस रीजन. सुबह के टाइम में सूरज निकलता है, जो कि रेत पे अगर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूखी रेत होती है ना? वही रेत रात के टाइम में ठंडी हो जाती है, तो रात के टाइम में ठंड होती है ऐसे एरियाज में. सैंड स्टॉर्म्स आर कॉमन इन ऑल सीजन्स. रेतीले तूफान आते हैं, खूब तेज़ हवाएं, गर्म हवाएं चलती हैं, जो जिससे कि रेतीले तूफान आते हैं. सैंड ड्यून्स और द हिल्स ऑफ सैंड आर इट्स मोस्ट कॉमन फीचर्स. अब डेफिनेटली जब रेतीले तूफान आ रहे हैं तो जो रेत के माउंटेन्स होते हैं, सैंड ड्यून्स मतलब जो रेत के माउंटेन्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं. अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे रेत का एक पहाड़ बना हुआ है, तूफान आया, वो पहाड़ शिफ्ट होके दूसरी जगह चला गया. मीन्स रेत जो है वो शिफ्ट हो गई, उसने दूसरी जगह जाके माउंटेन बना लिया. सो सैंड ड्यून्स आर द मोस्ट कॉमन फीचर. मोस्ट डेजर्ट्स हैव स्मॉल एरियाज ऑफ वाटर वेयर प्लांट्स ग्रो एंड पीपल लिव. सच अ प्लेस इज नोन एज एन ओएसिस. तो अब पूरा जो डेजर्ट एरिया होता है वो जनरली सूखा ही होता है, वहाँ पे पानी बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है. लेकिन कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे पॉन्ड्स होते हैं, मीन्स ज़मीन के अंदर से वहाँ पे पानी निकल आता है, ठीक है? तो ऐसे एरियाज में कुछ वेजिटेशन भी ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, और जो कैरेवेंस डेजर्ट्स में मूव करते हैं वो ऐसे एरिया में सेटल करते हैं जा करके. तो ऐसे एरियाज को हम क्या बुलाते हैं? दे आर नोन एज ओएसिस. नेक्स्ट लैंडफॉर्म आर द रिवर्स. So a river is a natural channel, usually fresh water that flows towards an ocean, a lake, sea or another river. तो जो river होती है वो एक natural channel of water होती है, जो कि mountains से rise होती है और इसके बाद में oceans में जा कर के गिर जाती है, है ना? A river usually starts high up in the mountain. As it flows, it carries rainwater, melted ice, snow from the mountains to the plains, lakes and sea. तो generally rivers का origin कहाँ से होता है? Mountains से होता है. ये mountains से waterfall के form में originate होती हैं, और जैसे जैसे ये mountains से नीचे आने लगती हैं, plains के area में ये बड़ी होती जाती हैं, चौड़ी होती जाती हैं, इनका area बढ़ता जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें snow, melted ice या फिर दूसरी rivers जो हैं वो ऐड होती जाती हैं, जिसकी वजह से इसमें पानी बढ़ता है और फिर इसका एरिया भी बढ़ता जाता है. और जब तक ये प्लेन्स में आती हैं, ये एक बहुत वास्ट वाटर रिजर्वायर के रूप में आ जाती हैं एंड दे बिकम स्टिल. यहाँ पे आके इनकी स्पीड भी कम हो जाती है प्लेन्स में, क्योंकि प्लेन्स फ्लैट एरिया होते हैं, इसलिए यहाँ पे इनकी स्पीड भी कम हो जाती है. मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स फ्लो इन टू द लार्जर वाटर बॉडी लाइक एन ओशन, सी और अ लार्ज लेक. द एंड ऑफ द रिवर इज कॉल्ड इट्स माउथ. इसके बाद ये प्लेन्स में आने के बाद फ्लो करती हैं, फिर जब इनका एंड होने वाला होता है ये अपने आप को ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड कर लेती हैं, मीन्स डिफरेंट चैनल्स ऑफ वाटर में डिवाइड कर लेती हैं.
एंड दे ऑल्सो फॉर्म द डेल्टास. डेल्टास मतलब ट्राइंगुलर शेप्ड पीस ऑफ लैंड होता है जो कि हर तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है. सो दे फॉर्म द डेल्टास एंड एट लास्ट दे फॉल इन टू द ओशन. तो जहाँ पर ये ओशंस में गिरना स्टार्ट करती हैं, सो दैट पोर्शन इज नोन एज द माउथ ऑफ द रिवर. सो ऑन द बेसिस ऑफ द जर्नी ऑफ अ रिवर इट इज़ डिवाइडेड इन टू थ्री स्टेजेस. द फर्स्ट स्टेज इज़ द अपर कोर्स, जहाँ पर ये माउंटेन्स से ओरिजिनेट हो रही हैं, वाटरफॉल बना रही हैं. एंड द सेकेंड स्टेज इज़ द मिडिल कोर्स, जहाँ पर ये प्लेन्स में आ जाती हैं, इनकी स्पीड लो हो जाती है और इनका साइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. मीन्स क्योंकि ज़्यादा वाटर ऐड होता है इसमें तो ये और ज़्यादा वास्ट हो जाती हैं. एंड द थर्ड स्टेज इज़ द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर, जहाँ पे ये ट्रिब्यूटरीज फॉर्म करती है, डेल्टास फॉर्म करती हैं और एंड में जाकर के ओशंस में गिर जाती हैं. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.